तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनकी भाषा में हम इन्हें समझा दें। भगवान मौन रहे, मौनम स्वीकृति लक्षण में लक्ष्मण जी गए। बोले बाबा जी नाराज क्यों, क्यों नाराज हो? परशुराम जी बोले ये धनुष टूट गया। अच्छा धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे जा रहे हो, आप कोई धनुष हो? कितनी बढ़िया बात है, क्या आप धनुष हो? बोले नहीं हम तो धनुष नहीं। बोले फिर क्यों टूट रहे हो? अच्छा चलो आप धनुष नहीं हो, आपका धनुष है? नहीं हमारा नहीं। किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का। तो शंकर जी ने मना किया था किसे मत तोड़ो, उन्होंने तो जनक जी को दिया था, उन्होंने तोड़वा दिया। ना आपका धनुष है ना आपको दिया गया, आप बीच में काहे को दुखी हो? परशुराम जी मन में सोचने लगे कि बच्चा बात तो ठीक कह रहा है, हम क्यों दुखी? आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, कहते हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। अच्छा बोलो समझ में आ जाए तो परेशानी आधी कम हो जाएगी कि नहीं? लेकिन आपको पीड़ा है, पीड़ा का अनुभव आप करते हैं पर रोग का निर्णय डॉक्टर करता है। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी महाराज आप पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं लेकिन रोग कौन सा है वो मैं बता रहा हूं। और लक्ष्मण जी ने रोग बताया, बड़ा अच्छा वर्णन है श्री राम कथा में। इस धनुष से आपकी ममता है और महाराज ये ममता पर चोट लगी है, ये ममता आपको दुखी कर रही है। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात है, हम लोग अगर अपने जीवन की ओर देखें किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। हम लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, चाय ले रहे होते हैं, नमकीन बिस्कुट लड्डू, उसी समय अखबार सामने होता है और मान लो उसमें लिखा हो भारी भूकंप 500 लोग मरे, रेल की भयंकर दुर्घटना 700 मरे है? हम लोग ऐसे पढ़ते रहते कितने मरे 700 ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले कम छापते हैं। चाय नहीं लिया आपने? चाय नहीं? अब भूकंप में अरे ज्यादा मरे होंगे तो आंकड़े सरकारी आंकड़े, आप लड्डू ले हो नमकीन ले हो। अच्छा बोलो ऐसी बातें करते कि नहीं? आप ये देखो अगर किसी के मरने से हम दुखी हो रहे होते तो क्या नाश्ता कर पाते? इसका मतलब किसी का मरना हमें दुखी नहीं करता। और मान लो अपना ही कोई खास बीमार हो जाए, अस्पताल में भर्ती रो रहे, अरे कह के अब तो डॉक्टरों ने कंट्रोल कर लिया, आपने कल से कुछ पानी भी नहीं पिया है, कुछ तो रोने लगते हैं। जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए हम तो पानी भी नहीं। एक आदमी मरा नहीं बीमार है, हम पानी भी नहीं पी पाते और 1000 मर गए थे तब कुछ नहीं लगा, 700 मरे तब कुछ नहीं लगा, और एक आदमी के बीमार होने में इसका अर्थ है कि हम मृत्यु के कारण दुखी नहीं होते, ममता के कारण दुखी होते हैं। हजारों मर गए हों कोई अंतर नहीं पड़ता, एक अपने साथ खास रहने वाला संगत करने वाला और मान लो मर जाए तो कितने ही मन को समझाओ दुख होता है ममता के कारण। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी इस धनुष से ममता है, ममता न होती तो ये दुख नहीं होता। और रामचरितमानस ने कहा ममता दाद, ये दाद का रोग बड़ा खराब होता है महाराज, जिन्हें होती है वही जानते हैं, औरों के भी अंग हैं उन्हें नहीं लगती खुजली क्योंकि दाद नहीं है। इसी तरह ममता की दाद जिसके मन में होती है उसी को वासना की खुजली लगती है। अब बात तो लक्ष्मण जी ने सही कही ममता, लेकिन केवल ममता होती तो दूर हो जाती, अहमता। छोटा बच्चा हमें समझा रहा है, परशुराम जी को लक्ष्मण जी ने समझाया, कहने कल का छोकरा हमें समझा रहा है, रे बालक काल बस ये अहमता है।
ममता का रोग है लेकिन अहमता उस पर उसके साथ है। बोले क्यों रे शिव धनुष, तुम्हारी छोटी बालकों की खेलने वाली धनु ही के समान। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ से सब धनुष समान नहीं होते। क्यों? बोले कोई धनुष वरदान नहीं लेता, सब प्राण ही लेते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। अब जो सुना परशुराम जी बोले डरता नहीं, तो फरसे की तरफ बोले चितय परस की ओरा रेसठ सुने स्वभाव न मोरा भी। फरसे की तरफ देखा था कि ये भी देखें फरसे की तरफ, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। कई लोग दिखाना चाहते, एक आदमी को विवाह में अंगूठी मिट गई, सो महाराज जहां जाए अंगूठी दिखाए पहन के, साइकिल से जाए मिठाई की दुकान पर, और ये और भैया सब आराम ठीक है कुशलता है, और भाई साहब ठीक है और ठीक। लोग बड़े भाई एक दिन गया मिठाई खरीदने, चौबे जी की दुकान थी, चौबे जी धोती पहरे ऊपर से चादर ओढ़े बैठे। अब आया, अच्छा ये जलेबियां कैसी थी, ये इमरती, ये पेड़ा, ये लड्डू, ये। चौबे जी ने देखा कि अंगूठी दिखा रहा है। सो चौबे जी एक 5 तोले का बाजू बंद बांधे थे, उन्होंने अपना चद्दर हटाया और ऐसे दिखा के बोले सभी एक भाव है, ले जाओ जो ले जाओ। परशुराम जी फरसे की तरफ दिखाना चाहते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने देखा ही नहीं, तो बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले जब से आए हो तब से फरसा ही तो दिखा रहे हो, और ये गनीमत है कि हमने फरसा नहीं देखा, फरसा देखते तो युद्ध हो ही जाता। मैं फरसा नहीं देख रहा हूं, मैं जानते हो क्यों शांत हूं, क्यों? क्योंकि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं, आप ब्राह्मण हैं महात्मा हैं।